बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट मुझे ज़रा कंफर्म कर दें, मेरी आवाज़ आपको ठीक आ रही है? जी मोहम्मद अकबर। जी सर जी, सर ठीक आ रही है आवाज़? ओके, क्लोज करें। ये क्या हो गया? अच्छा जी, कल मैंने आपको जो आखिरी क्वेश्चन दिया था वो मरखली एग्जांपल थी, ये वाले है ना। इसमें किसी को कोई मसला, कोई प्रॉब्लम आया हो यहाँ तक पढ़ते हुए या ये इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए? जी हमाद मंजूर। जी हमाद, अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम अस्सलाम। वो चीज केक वाला क्वेश्चन था पीछे थोड़ा सा। पीछे चीज केक वाला क्वेश्चन तो हमने भी, हाँ क्या हुआ उसको? उसमें राम टीलर की वो सेलिंग प्राइस वो नहीं पता कैसे। कैसे? राम टीलर की सेलिंग प्राइस ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, पीछे ये क्वेश्चन तो से नहीं। पीछे, इससे पीछे, ये वाला इससे पार्ट बी का। नहीं, वो चीज केक वाले क्वेश्चन की बात कर रहा। नहीं, यहाँ रुको रुको। हाँ ये वाला होना था, इसका पार्ट बी नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, ये आगे चलो, पार्ट बी रुको। हाँ, इसमें ये जो 3 लाख है ना, ये क्वेश्चन हमने दिया था इनको? ये तो हमने अभी आपको दिया नहीं बेटे, करने के लिए ये मैं सर करवा, दिया था ये। अच्छा चलो ठीक है, ये आपने ये दिया था मैंने। यस सर ये दिया था, और मरफानी वाला नेक्स्ट दिया था आपने। मरफानी वाला जरूर दिया था वो, बल्कि मरफानी वाला मैंने कर दिया था यहाँ पर। आप मेरे यस ख्याल कल क्लास में नहीं थे। सर मैं था, चले आपने नहीं दिया मरफानी था। वाला तो बेटे मैंने यहाँ कर दिया था। यस सर कर दिया था। हाँ, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं ये चीज आगे। ये अब चीज केक वाले क्वेश्चन आता है, ये पीछे कुछ और भी है इसके, एक ये भी क्वेश्चन है पीछे। जा जरा मुझे तरतीब समझने दो कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। एक मिनट रुको रुको रुको, ये कर लिया हमने, आगे चलो। बिल्कुल कर लिया, ये भी कर लिया, आगे चलो। ये भी कर लिया, आगे चलो। ये भी हमने कल क्वेश्चन कर लिया जो उसमें मैंने खुद सॉल्व किया था। ये होमवर्क था, ये भी हो गया, आगे चलो। ओके इससे हमने यहाँ से स्टार्ट करना है बेसिकली। मैसर लासानी एसोसिएट्स हैव प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग वर्किंग पेपर रिगार्डिंग इन्वेंट्री ऑन हैंड एट 31 December 2002। डेंटी इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टू प्रोडक्ट्स लाइन, एयर कूलर्स एंड फैंस। दो प्रोडक्ट हैं हमारे पास, एयर कूलर्स हैं और फैंस हैं। अब उसकी इन्वेंट्री चूंकि मैन्युफैक्चरिंग है, हम बनाते हैं कूलर्स, तो कुछ उनका रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, कुछ उनकी प्रोसेस में है चीज़ें, और कुछ उनकी फिनिश गुड्स हैं। ठीक है, ये उसको आपको वर्किंग दी गई है। ठीक है, कि रॉ मटेरियल की जो टोटल कॉस्ट है, ये टोटल, ये जो यहाँ एक और उल्टा सा काम हुआ हुआ है, वो क्या हुआ हुआ है कि ये टोटल नीचे लगने की बजाय ऊपर लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका टोटल है जो कि ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी इनका टोटल ऊपर लगा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना, इनका टोटल ये ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर इनका टोटल ऊपर लगा हुआ है, एंड लाइकवाइज इनका टोटल जो है ये ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, सिमिलरली ये टोटल भी ऊपर लगा हुआ है, और इस तरह इन सब का जो ग्रैंड टोटल है, इन सब का ग्रैंड टोटल जो है वो यहाँ लगा हुआ है। ठीक है जी, ओके आगे चलो जी। जरा ये डाटा उसने दिया हुआ है। ठीक है, अब वो लिखता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से
ड्यू टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ द लोकल करेंसी द पार्ट्स यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बोथ द एयर कूलर्स एंड फैंस बिकेम चीपर. ओके, लोकल करेंसी मजबूत हुई तो ये इंपोर्टेड मटेरियल थे, जाहिर है ये सस्ते हो गए. अ डायरेक्ट रिजल्ट देयर ऑफ द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बोथ द फिनिश एयर कूलर एंड फैंस आल्सो ड्रॉप. उसका नतीजा क्या निकला, रॉ मटेरियल सस्ता होता है तो सेल प्राइस भी कम हो जाती है. ये इंफॉर्मेशन दी हुई है. वेदर एन एनालिसिस ऑफ द राइट डाउन हैज बीन कैलकुलेटेड करेक्टली बीन प्रेजेंटेड बिलो. ठीक है, कहता है कि जी हमारा क्वेश्चन ये था, एक्चुअली ये पेपर में क्वेश्चन था कि क्या जो एनआरवी की कैलकुलेशन की गई है वो सही की गई है. अगर सही नहीं की गई तो उसको सही करना है हमने. ठीक है, अच्छा. अब द कैलकुलेशन ऑफ पॉसिबल राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री मस्ट नॉट बी डन बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड बट शुड बी असेस्ड ऑन एन आइटम बाय आइटम बेसिस. ठीक है, हमने इसको ऐसे नहीं देखना कि दोनों का जो है वो रॉ मटेरियल, दोनों का वर्क इन प्रोसेस, दोनों का फिनिश, ऐसे नहीं है. एयर कूलर का रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड्स और जो है अपना दूसरी आइटम क्या है, रेफ्रिजरेटर फैन पार्ट्स. एयर कूलर्स का जो है, पीछे जाओ जरा, एक्चुअली एयर कूलर पार्ट्स और फैन पार्ट्स, दूसरे प्रोडक्ट क्या है वो फैन है. दो चीजें बनती हैं, एक एयर कूलर बनता है और दूसरा फैन बनता है. ठीक है, तो आगे चले जाएं. इन्होंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, ये जो एनालिसिस किया हुआ है, ऑल्दो बोथ आइटम्स ऑफ रॉ मटेरियल हैव नेट रिलायबल वैल्यू दैट आर लोअर देन कॉस्ट, रॉ मटेरियल शुड नॉट बी रिटन डाउन अनलेस द रीजन फॉर द ड्रॉप इन एनआरवी ऑफ द रॉ मटेरियल हैज ऑल्सो resulted the NRV of the related finished product also dropping. ये देखें, ये हम पीछे पढ़ के हैं, मैंने कहा था इसको जरा ध्यान में रखिएगा. पीछे जाओ जरा, इनको बताएं कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं, आगे चलो, आगे चलो थोड़ा सा, यहाँ रुको, नहीं यहाँ भी नहीं है, और पीछे जाओ, पीछे यहाँ, when the net realizable value of company's inventory is less than its cost, the company's balance sheet. ठीक है यार, ये कहीं लिखा हुआ है, पीछे और जाओ, यहाँ पर एक मिनट, cost of आगे, बहरहाल ये हम पीछे पढ़ के आए हैं, इस वक्त आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा. रॉ मटेरियल को राइट डाउन उस वक्त करना है, इधर लिखा हुआ है, ये देखें, मटेरियल्स एंड अदर सप्लाईज हेल्प फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्रीज आर नॉट रिटन डाउन बिलो कॉस्ट इफ द फिनिश प्रोडक्ट इन विच दे विल बी इनकॉर्पोरेटेड are expected to be sold at or above cost. इसको जरा सीधा सेंटेंस लिख देना चाहिए था. कहता है कि जी हम रॉ मटेरियल को राइट डाउन नहीं करेंगे अगर उसकी फिनिश गुड के अंदर राइट डाउन नहीं आता, यानी अगर फिनिश गुड की एन आर वी जो है वो कॉस्ट से ज्यादा बन रही है अभी भी, ठीक है, तो फिर उसका रॉ मटेरियल जो है उसे हमने राइट डाउन नहीं करना है. चलें जी अब वहां चले जाएं, ये पॉइंट है. ठीक है, अब आप ये देखें कि ये जो फिनिश गुड आ रही है हमारे पास कूलर्स की, ये फिनिश गुड है, इसकी प्राइस है एयर कूलर्स की कॉस्ट है 1,60,000 और इसकी एनआरवी 1,10,000. इसका मतलब एनआरवी जो है वो लोअर हो गई है उसकी कॉस्ट से, लिहाजा रॉ मटेरियल जो है उसको भी राइट डाउन किया जाएगा. लेकिन ऑन द अदर हैंड फैन पार्ट्स के अंदर देखें, इसकी कॉस्ट कम है और एनआरवी ज्यादा है, इसका रॉ मटेरियल भरे उसकी एनआरवी उसकी कॉस्ट से कम भी हो तो उसे राइट डाउन नहीं करना. ठीक है, लिहाजा
एयर कूलर पार्ट्स का राइट डाउन करना है, ठीक है, और फैन पार्ट्स का राइट डाउन नहीं करना, ठीक है। चलो जी जरा आप अगले पेज पे चले जाएं, ये देखें रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की कॉस्ट इतनी है, एनआरवी इतनी है, राइट डाउन करेंगे, ठीक है। वर्क इन प्रोसेस कॉस्ट इतनी है, एनआरवी इतनी है, राइट डाउन करेंगे, और फिनिश गुड्स उसकी कॉस्ट इतनी है, एनआरवी इतनी है, राइट डाउन करेंगे। तो इसके अंदर टोटल राइट डाउन कितना रिक्वायर्ड है, 90,000 का। अंडरस्टैंड? जबकि उसने क्या किया हुआ था, चलो जरा पीछे, उसने किया हुआ था एयर कूलर पार्ट्स का रॉ मटेरियल की कॉस्ट 80 है, 50 है, उसने उसने टोटल के हिसाब से क्या किया हुआ था, राइट डाउन किया हुआ था। ये कैलकुलेशन गलत है। राइट डाउन जो है वो आइटम टू आइटम करना है या नहीं करना, इसका तयन जो है वो हम आइटम टू आइटम करेंगे, ठीक है, ओके। इसी तरह जो फैन पार्ट्स हैं उस पर चले जाएं, ये देखें इसका रॉ मटेरियल की कॉस्ट 1,20,000 है, इसकी एनआरवी ये है, राइट डाउन नहीं करेंगे। इसी तरह इसका प्रोसेस इतना है, ये इतना है, नहीं करेंगे। इसकी फिनिश गुड्स की जो कॉस्ट है वो 1,60,000 है, और ये 2,20,000 है, इसका भी राइट डाउन नहीं करेंगे। तो टोटल राइट डाउन कितने का हो गया, 90,000 का। अब ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो जब कोई रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड में इन्वेंट्री दी हुई होगी, तो आपने रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स सॉरी रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस को तब राइट डाउन करना है अगर फिनिश गुड का भी राइट डाउन होता हो। अगर फिनिश गुड का राइट डाउन नहीं होता तो फिर आपने रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस को राइट डाउन नहीं करना। अंडरस्टैंड? क्योंकि ये बात क्लियर हुई है सब लोगों को, जरा हैंड रेज करके बताएं, इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में क्वेश्चन आता है इस पे। ठीक है जी, ऑल डन, ठीक है, क्लोज करो। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी चीज केक वाला क्वेश्चन, इसको भी कर लेते हैं। वो लिखता है गुड्स परचेज टू बी रीसोल्ड कॉस्ट ऑफ ₹10,000, उनकी कॉस्ट इतनी है, उसकी एनआरवी उसने बताई हुई है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस उसकी बताई है 14,000, ठीक है। एट द बैलेंस शीट डेट देयर रिप्लेसमेंट बाइंग प्राइस इज 9,000। अब एनआरवी के लिए उसने क्या किया हुआ है, दो तीन चीजें बता दी हुई हैं। दे कैन बी सोल्ड द नॉर्मल प्राइस 14,500। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर दो एनआरवी का डाटा दिया हुआ होगा, तो एक तो कॉस्ट लेनी ही लेनी है। अब दोनों में से एनआरवी कौन सी लेनी है, एनआरवी जो मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है उससे रेलेवेंट एनआरवी लेनी है, ठीक है, जो मेरे पास पड़ा हुआ है। वो कहता है ये चीज अगर आज हम खरीदते हैं तो ये 9,000 की हमें मिलेगी, तो खरीदने की बात तो नहीं हुई कि कितने की मिलेगी, बेचने की बात हुई है एनआरवी की कैलकुलेशन में कि उसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या है, एस्टिमेटेड बाइंग प्राइस नहीं है अब, लिहाजा ये तो इररेलेवेंट हो गया 9,000, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, ये आपको मामू बनाने के लिए दिया हुआ है। क्योंकि एनआरवी की कैलकुलेशन होती है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस से, ना कि एस्टिमेटेड बाइंग प्राइस से, कि मेरे पास एक चीज 10,000 की पड़ी हुई है और वो मजीद मैं कितने की खरीद सकता हूँ, वो 9,000 की खरीद सकते हैं, लेकिन मैंने तो 10 की खरीदी हुई है ना, और उसका कंपैरिजन मैंने उसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस और माइनस कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सेल से करना है। तो ये उसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है, ये उसकी कॉस्ट टू मेक सेल है 4,500। तो एनआरवी उसकी कितनी हुई, उसकी एनआरवी हुई 9,500, कॉस्ट हुई 10,000। तो किसके ऊपर रिपोर्ट करेंगे, एनआरवी के ऊपर स्टॉक को रिपोर्ट करेंगे। राइट डाउन कितने का रिकॉर्ड करेंगे, 500 का करेंगे। क्यों भाई, चीज के क्लियर हुआ, हम किसने पूछा था, हम आज मंजूर ने, बताओ भी क्या कंफ्यूजन थी, क्लियर हो गया है? अच्छा, बी पार्ट पे चले जाते हैं। चलो जी, पहले बी पार्ट भी कर रहे हैं। ये देखिए, चीज केक लिमिटेड प्रोड्यूस चीज केक्स फॉर द लोकल मार्केट एट द फाइनेंशियल ईयर एंड 30th September 2005। इस क्वेश्चन के अंदर एक मिसिंग है, ठीक है, मिसिंग क्या है, वो कहता है कि जी एनआरवी ऑफ रॉ मटेरियल इज 300,000। मेरा ख्याल यही प्रॉब्लम था, मैंने बताया इस चैप्टर के अंदर कुछ चीजें उन्होंने सॉल्यूशन में और
ये जो फिगर्स में गड़बड़ की हुई है, ठीक है। तो ये मिसिंग पार्ट था डाटे का। तो कहता है रॉ मटेरियल की एनआरवी 3 लाख है। अब ये देखें इसकी कॉस्ट कितनी है, 3,20,000। एनआरवी कितनी है, 3 लाख। अगर हम इसको देखें तो राइट डाउन बनता है कितने का, 20,000 का। लेकिन इसका तयन इस चीज से नहीं करना, राइट डाउन करना या नहीं करना, इसका तयन फिनिश गुड्स से करना है। फिनिश गुड्स की कॉस्ट 40,000 है और उसकी एनआरवी 4,40,000 है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका राइट डाउन हमने नहीं करना, ठीक है। राइट डाउन रॉ मटेरियल का नहीं करना। इसीलिए वो कहता है कि इसकी वैल्यू जो है वो कितनी लेंगे, 3,20,000, और इसकी वैल्यू तो बनती ही 4 लाख है, अंडरस्टैंड। तो टोटल 7,20,000 बन गए। मेरा ख्याल यही कंफ्यूजन था, वो 3 लाख ऊपर दिया नहीं हुआ। ये जो एनआरवी ऑफ रॉ मटेरियल है ना, ये उसने हमें दी नहीं, क्वेश्चन में मिस कर गया वो यहाँ पर लाइन एक, ठीक है। तो अब वो हमने कंपैरिजन करना है, फिनिश गुड की कॉस्ट कितनी है, 3,20,000 का ये, और 80,000 का। वो कह रहा है कि इसके ऊपर 80,000 क्या है, द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश चीज केक इज 80,000, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है 80,000, ठीक है। तो 3,20,000 का रॉ मटेरियल लगा और 80,000 की कन्वर्जन कॉस्ट लगी, तो इसकी टोटल फिनिश कॉस्ट कितनी होगी, 4 लाख, ठीक है। तो अब हमने रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन करनी है 3,20,000 के ऊपर। बाहर लग रहा है कि 3 लाख के ऊपर करनी है, लेकिन वो उसकी जो फिनिश प्रोडक्ट की जो एनआरवी है वो कॉस्ट से कम नहीं है, लिहाजा हम क्या करेंगे, हम उसकी जो वैल्यूएशन है वो 4 लाख रुपए के ऊपर ही, सॉरी 3,20,000 के ऊपर ही करेंगे उस प्रोडक्ट की। ये क्लियर हो गया, इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्यों जी, क्लियर है जी यहां तक? ए बी बी का पार्ट वन सब क्लियर है? बताएं बताएं जल्दी, शाबाश, फिर आगे चलें। हाँ वो यार जल्दी हैंड रेज कर दिया करो, कितना टाइम लगता है। ओके ठीक है जी, डन। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ये भी चैप्टर वो है जिसमें से टाइम बचता है दूसरे क्वेश्चंस के लिए। अच्छा जी, अब आगे इसका पार्ट बी। द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द रॉ मटेरियल अज्यूमिंग दैट वंस कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड चीज केक द टोटल इन्वेंट्री ऑफ चीज केक वुड हैव अ सेल वैल्यू ऑफ 400,000, ठीक है। अगर वो 4 लाख की बिके, ठीक है, वेयर रिलेटेड सेलिंग कॉस्ट इज 4,40,000। अब यहां पर देखें, अब फिनिश गुड की जो एनआरवी है वो फिनिश गुड की कॉस्ट से कम हो गई, लिहाजा इसका भी राइट डाउन रिकॉर्ड करेंगे ये 20,000, और इसका भी राइट डाउन रिकॉर्ड करेंगे वो कितना, 40,000। तो टोटल ये राइट डाउन रिकॉर्ड करेंगे, और स्टॉक की वैल्यूएशन किस पे करेंगे, दोनों की एनआरवी के ऊपर करेंगे, और वो कितनी है, 6,60,000, ठीक है जी। ओके क्वेश्चन मुकम्मल हो गया, हाँ जी ये भी क्लियर हो गया। सो रॉ मटेरियल अगर फिनिश गुड की एनआरवी जो है वो कम हो रही हो, तो रॉ मटेरियल की एनआरवी कम, एनआरवी का राइट डाउन भी रिकॉर्ड करना है। लेकिन अगर रॉ मटेरियल राइट डाउन हो रहा हो लेकिन फिनिश गुड में राइट डाउन ना हो, यानी उसकी कॉस्ट कम हो और एनआरवी ज्यादा हो, तभी राइट डाउन नहीं होगा ना। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम रॉ मटेरियल का राइट डाउन भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये क्लियर होनी चाहिए बात। चलो जी आगे चलो, ये देखें एंट्री टू बी मेड, ये एनआरवी लॉस डेबिट, ये उसने एंट्री बता दी है कि जी ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, ठीक है, और ये रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री कम हो जाएगी, ये क्रेडिट हो रहा है ना, ये भी क्रेडिट हो रहा है, तो इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी तो वो कम हो जाएगी और लॉस जो है वो डेबिट हो जाएगा। क्लियर जी, चलो जी अब यहां तक सीधा हो गया काम, पीछे सब क्लियर हो गया। आगे चलो, ये क्वेश्चन हमने कल कर दिया था, ठीक है, आगे चलें। ये कल आप लोगों ने पढ़ना था, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, मैंने आपको ये मेथड पढ़ा दिए थे डे बिफोर यस्टरडे ही, ठीक है, आगे चलो। ओके ये क्वेश्चन मैंने आपसे क्या कहा था, घर से करके लाएं। अब यहां तक हमारे सारे मामलात क्लियर होने चाहिए। ओके ऑन 1 जनवरी, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है जी। ऑन 1 जनवरी ए कंपनी हैड एन ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ 100,000 विच कॉस्ट रुपीज 50 ईच ड्यूरिंग ड्यूरिंग द मंथ इट मेड द फॉलोइंग परचेजेस। ये 5 अप्रैल को हमने इतने यूनिट खरीदे हैं, 14 जुलाई को इतने यूनिट खरीदे हैं, 22 अक्टूबर को इतने यूनिट खरीदे हैं, ये पर यूनिट रेट है।
कहता है ड्यूरिंग द पीरियड इतने यूनिट हमने बेचे हैं, ठीक है, और उनकी डिटेल भी बताई हुई है, 9 मई को इतने बेचे हैं, आगे चलो, इतने बेचे इतने बेचे इतने बेचे, दिस मीन्स दैट 300 यूनिट लेफ्ट इन द स्टॉक. ओके, देर आर वेरियस टेक्निक्स दैट हैव बीन डेवलप्ड टू आंसर द क्वेश्चन. ठीक है, क्या क्वेश्चन था? कि इसकी स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी 31st of December को. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इधर ही कर देता हूं फाइफो कॉस्टिंग. हमने पढ़ा ना कि दो तरह से कॉस्टिंग हो सकती है, फाइफो या वेटेड एवरेज से. इसमें सबसे पहले आपने एक क्वांटिटेटिव शेड्यूल बनाना है. ठीक है, क्या करना है, क्वांटिटी शेड्यूल, उसमें क्या लिखना है, यूनिट्स, ओपनिंग बैलेंस सिर्फ यूनिट्स लिखने हैं, कितना 100, परचेस्ड कितने हैं जी, टोटल परचेज कितने किए, पीछे जाओ, हाँ जी, सबको प्लस कर लो, ये 300 जमा 500 800 जमा 200 1000, 1000 परचेज किए हैं और 800 बेचे हैं. चलो जी, ये 1000 परचेज किए तो ये 1100 क्या हुआ, अवेलेबल फॉर सेल, फॉर सेल सोल्ड कितने किए मैंने, सोल्ड मैंने कितने किए 800, तो स्टॉक में कितने बचे हुए हैं 300. ये उसने दिया भी हुआ है, लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो आपने पहले ये शेड्यूल बनाना है. ठीक है, अब दूसरा काम ये करना है, जो परचेज है उसको डेट वाइज तरतीब लगा लेनी है, चेक करना है कि क्या परचेज डेट वाइज तरतीब से है. इसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है डेट वाइज जब होती चीज, चेक करें, पीछे जाएं जी, परचेज की बात बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, अप्रैल जुलाई अक्टूबर. ठीक है, अब आपके पास ये जो 300 यूनिट पड़े हुए हैं ये आखिरी वाली परचेजेस हैं, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ओपनिंग स्टॉक भी बिक गया, पीछे करो, ओपनिंग स्टॉक भी बिक गया तीन, ये 100 वाला, क्योंकि सबसे पहले ये बिका होगा, फिर ये भी बिक गया 400 गए, फिर ये भी बिक गया, इस 500 में से 400 ये भी बिक गए, बचे कौन से हुए हैं 200 ये वाले और 100 इसमें से. ठीक है, अब उसकी वैल्यूएशन डाल दो यार. ठीक है, क्या करना है, हमने कहना है जी स्टॉक वैल्यू फाइफो कॉस्टिंग ऑफ स्टॉक. ठीक है जी, क्या हुआ 200 मल्टीप्लाइड बाय 80 वाले 1600 के, और 100 मल्टीप्लाइड बाय वो कितने वाले हैं, उनका रेट क्या था, ये वाले जो थे, इसमें से मैंने कहा ना 100 बचे हुए हैं. ठीक है, ये 70 वाले हैं, 70 ये कितने के बने, ये 16000 बनता है या 1600 बनता है, 16000, और ये 7000 बनता है. ठीक है, 7000, तो स्टॉक की वैल्यू कितनी आ गई, ये कॉस्ट आ गई, कॉस्ट ऑफ स्टॉक. आमतौर पर लोग बहुत मिसकंसेप्शन है, इसे वैल्यू ऑफ स्टॉक कह देते हैं, ये कॉस्ट ऑफ स्टॉक है, क्योंकि वैल्यू ऑफ स्टॉक इससे एक स्टेप के बाद आएगी, पता है ना. ठीक है, अभी हमने निकाली इतने सारे सवालों की, तो ये 23000 आ गई. ये क्या है, कॉस्ट ऑफ स्टॉक विद फाइफो कॉस्टिंग. अगर वैल्यूएशन करनी हो तो अगला स्टेप है क्या, इसकी एनआरवी डिटरमिन करें, अगर वो जो भी हो, फिर उस एनआरवी का इस कॉस्ट के साथ कंपैरिजन करें, विच एवर विल बी द लोअर दैट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस. बहुत सारे लोग इसको, पढ़े लिखे लोग इसको वैल्यू ऑफ स्टॉक लिख देते हैं, ये वैल्यू ऑफ स्टॉक नहीं, ये कॉस्ट ऑफ स्टॉक, अंडरस्टैंड. तो ये भाई सिंपल फाइफो कॉस्टिंग थी, ये सारी स्टोरी ये लिखी हुई है भाई जान ने. ठीक है, ये देखें, ये 23000 निकाला हुआ. ठीक है, आपने सिंपल ऐसे कर लेना है. आगे चलो जी, दिस कैन बी शोन ऑन एन इन्वेंटरी लेजर कार्ड. अगर पेपर में वो आपसे कहे, अच्छा पहले मैं वेटेड एवरेज कॉस्टिंग भी इसकी कर दें फौरन, ये कार्ड्स के ऊपर बाद में आता हूं, पीछे जाओ जी जरा. वेटेड एवरेज कॉस्टिंग कैसे करेंगे, ये फाइफो कॉस्टिंग होगी, ये हो गया जी ये फाइफो कॉस्टिंग. ठीक है, अब वेटेड एवरेज कॉस्टिंग कैसे होगी वो हम यहां कर देते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्टिंग. इसमें हमने क्या करना है, क्वांटिटी शेड्यूल यही बनना है एज इट इज, ये यहां रिपीट मार देंगे, बन गया क्वांटिटी शेड्यूल. ठीक है, अब वैल्यू, अब हमने इसकी कॉस्टिंग करनी है, वैल्यूएशन नहीं, कॉस्टिंग करनी है. ठीक है, तो इसमें सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम करेंगे वेटेड
एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है बेटा जी। वो कैसे निकालेंगे? ठीक है, वो निकालेंगे हम ऐसे, ये मैं इधर निकालता हूँ, लिख देता हूँ। कैसे जी? जितने यूनिट खरीदे हैं, यानी हमारे पास 100 यूनिट थे पहले, जरा पीछे जाओ, 100 यूनिट थे 50 रुपए वाले, चलो जी 360 वाले, ये थे 100 यूनिट 50 वाले, ये इनकी कॉस्ट आ गई। जमा 300 खरीदे 60 वाले, ये इनकी कॉस्ट आ गई। जमा फिर 500 खरीदे, 500 खरीदे 70 वाले, और फिर 200 खरीदे 80 वाले, ऐसे ही है ना, ये आ गए। और ये टोटल यूनिट कितने हो गए? टोटल हो गए जी ये 1100। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करके एवरेज कॉस्ट निकाल लें पर यूनिट कितनी बनी, वो बनी जी 67.27। अब आपके पास कॉस्ट ऑफ स्टॉक कितनी निकलेगी? आपके यूनिट कितने हैं? 300, और हर यूनिट हमने रिज्यूम कर लिया एवरेज कॉस्ट के साथ 67 रुपए 27 पैसे का, तो मेरे स्टॉक की कॉस्ट कितनी आ गई वेटेड एवरेज के साथ? 20,300। लो भाई ये कॉस्ट आ गई, इसके तहत 23,000 आई, और इसके तहत कितनी आई? 20,300। ये दो डिफरेंट वैल्यूएशन है। और अगर वैल्यूएशन, सॉरी कॉस्ट है, अगर वैल्यूएशन करनी हो तो इसके बाद इसकी एनआरवी डिटरमिन करें, उन दोनों का कंपैरिजन करें, जो लोअर होगी वो आपकी वैल्यू ऑफ स्टॉक होगी। चलो जी क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब पेपर में बाज का तो वो ये कह देता है कि जी आप इन्वेंटरी कार्ड बनाए, वैल्यूएशन करनी हो स्टॉक की तो वो ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ये वाली जो वैल्यूएशन है, ये जो तरीका है, ये पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम का तरीका है। लेकिन परपेचुअल इन्वेंटरी के अंदर आपको पता है हमें हर सेल की कॉस्ट चाहिए होगी। पीरियोडिक इन्वेंटरी में दोनों मेथड के तहत इस तरह से हम कॉस्टिंग करते हैं, जैसे ये मैंने अभी कर दिया आपको। लेकिन परपेचुअल इन्वेंटरी में चूंकि मुझे हर सेल की कॉस्ट चाहिए होती है, लिहाजा मुझे साथ साथ कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, वो ऐसे नहीं निकलेगी। ये तो पीरियड एंड के ऊपर हुआ, फाइफो में भी हुआ, वेटेड एवरेज में भी हुआ। लेकिन अगर मुझे परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में जाना पड़े तो मुझे एक इन्वेंटरी कार्ड बनाना पड़ेगा, या वो कह दे कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ स्टॉक अंडर परपेचुअल सिस्टम, तब भी कार्ड बनाना पड़ेगा, या वो वैसे ही कह दे इन्वेंट्री कार्ड बनाए, तब भी कार्ड बनाना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? अब वो कार्ड कैसे बनना है? ठीक है, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर भी कार्ड बन सकता है, कोई मसला नहीं है, अगर आपने शो करना हो। ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए पीरियोडिक इन्वेंटरी में कार्ड की जरूरत नहीं है, परपेचुअल में कार्ड की जरूरत है बुक कीपिंग करते हुए। ठीक है, लेकिन अगर कार्ड बनाना हो तो पीरियोडिक में बन सकता है। ठीक है, पीरियोडिक में कार्ड कैसे बनेगा? पीरियोडिक में कार्ड जैसे बनेगा, जैसे जैसे कोई चीज आएगी हम उसको इश्यू करते जाएंगे। ठीक है, पीरियोडिक में जब कार्ड बनेगा तो फाइफो कॉस्टिंग के तहत सेम वैल्यूएशन आएगी, लेकिन वेटेड एवरेज के तहत वैल्यूएशन जो है वो स्टॉक की बदल जाएगी। ठीक है, तो अगले पेज पे चलेंगे, इन्वेंट्री कार्ड फाइफो कॉस्टिंग से हम बनाने लगे हैं। ये देखें, ये इन्वेंट्री कार्ड फाइफो कॉस्टिंग। ठीक है, इसके कई सारे फॉर्मेट्स हैं, लेकिन जो मेन, अगले पेज पे जाओ। हाँ, ये देखें, स्टॉक वही निकला हुआ है जो 23,000 था जो हमने निकाला। ठीक है, जो हमने निकाला वही स्टॉक निकला, चाहे परपेचुअल में निकाल लें चाहे पीरियोडिक में निकाल लें। देखिए, दो, एक तो ये है, पीरियोडिक के अंदर हम कार्ड भी बना सकते हैं जो जो भी बनाने लगा हूं, और वैसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने कैलकुलेट किया। कार्ड कब बनाना है? जब वो कहेगा कि
के कार्ड इन्वेंट्री कार्ड बनाएं। अगर वो इन्वेंट्री कार्ड बनाने के लिए नहीं कहेगा तो आपने सिंपल वैल्यूएशन वैसे कर देनी जैसे मैंने की है, ठीक है। और वेटेड एवरेज के अंदर भी यही फार्मूला अप्लाई करना है, जब वो कहे कार्ड बनाएं तो कार्ड बनाएं, नहीं तो जैसे मैंने कर दिया है वो वैसे कर दें, ठीक है। लेकिन परपेचुअल इन्वेंट्री के अंदर कार्ड ही बनाना पड़ेगा, अंडरस्टैंड, उसके बगैर स्टॉक की वैल्यूएशन कॉस्टिंग नहीं हो सकती परपेचुअल में, ठीक है। अब हम पीरियोडिक में हमने कार्ड के बगैर कॉस्टिंग कर ली है, अब हम कार्ड भी बना के देखते हैं, ठीक है। चलें जी, कार्ड बना के देखते हैं जी, शीट निकालो, इसको नहीं मैंने रिपीट करना। ये देखिए, इधर हम एक ये एक लाइंस लगाने लगा हूं मैं, तवज्जो रखिएगा। यहां एक डेट का कॉलम आएगा, यहां परचेज या रिसीट का कॉलम आएगा, यहां इश्यू का कॉलम आएगा, यहां पर स्टॉक का इन्वेंट्री का कॉलम आ जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ये मेन तीन कॉलम बन गए। ये क्या बन गया भाई, डेट, यहां लिखेंगे परचेज, इशू या कॉस्ट ऑफ सेल, सेल तो नहीं है, ये जो यूनिट बिके हैं उनकी कॉस्ट है, ठीक है। और यहां पर क्या आएगा, बैलेंस या इन्वेंट्री, ठीक है। अब इनके अंदर फर्दर तीन तीन कॉलम बनेंगे, वो कॉलम हम यूं कर देते हैं, ओके। ये कॉलम किस चीज की है नी, यहां पे लिखेंगे, रेड नहीं हुई, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, क्वांटिटी, रेट और कॉस्ट, क्वांटिटी, रेट और कॉस्ट, क्वांटिटी, रेट और कॉस्ट, ठीक है जी, ओके। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको अभी फाइफो मेथड भी सिखा दिया, वेटेड भी सिखा दिया पीरियोडिक के अंदर। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, पीरियोडिक में अगर वो ना कहे कि कार्ड बनाएं तो कार्ड नहीं बनाना, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया वैसे ही कॉस्टिंग कर दें। लेकिन अगर वो कहे कि इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनाए अंडर पीरियोडिक मेथड, ठीक है, चाहे फाइफो में चाहे वेटेड एवरेज में, तो फिर कार्ड ऐसे बनाना।
गया, अब कैमरा नहीं चला, सॉरी जी नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा मैं क्या बता रहा हूं कि अगर पीरियोडिक मेथड हो और वो के इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करें, ठीक है, या वो के इन्वेंट्री वैल्यू करें, तो पहले आपने कॉस्ट निकालनी है, फिर एनआरवी से कंपेयर करके वैल्यूशन कर देनी है। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर वो कहे कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है लेकिन इन्वेंट्री कार्ड बनाए, तो फिर आपने देख लें फाइफो में कार्ड कैसे बनाना है और वेटेड एवरेज में कैसे बनाना है। ठीक है जी, चलें जी, ये आ गया जी, यहां पर मैं लिखने लगा हूं फाइफो कॉस्टिंग, इन्वेंट्री कॉस्ट इन पीरियोडिक इन्वेंट्री। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, फाइफो कॉस्टिंग इन्वेंट्री कॉस्ट इन पीरियोडिक इन्वेंट्री। ओके, हम चूंकि अभी परपेचुअल की बात नहीं कर रहे, इसलिए मैं अभी उसका जिक्र, इसको जब मैं बताऊंगा तो इसको स्लाइड को दिखाएंगे। ठीक है, ओके, यहां पर डेट आ गई दी 1 जनवरी वट एवर। ठीक है, क्वांटिटी हमारे पास 100 की पड़ी हुई है, वही क्वेश्चन किया हुआ है ना। ठीक है, रेट इसका था 50 रुपए वाला और ये है मेरे पास 5,000 का स्टॉक। ठीक है, और इस दिन मैंने कोई परचेज नहीं की, कोई इशू नहीं, कोई इशू सॉरी मैंने कोई इशू नहीं किया, कोई और परचेज नहीं की। ये एक किस्म का, मैं यहाँ परचेज की बजाय डायरेक्ट इधर लिख दूं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो परचेज बहरहाल है नहीं। ठीक है, मैं सही कर देता हूँ, ये 50 रुपए वाला स्टॉक है। ठीक है, तो ये हम यहां से मैं मिटा देता हूँ। ओके, ये ऐसे होना चाहिए। ओके, इधर कोई ना परचेज है उस दिन, ना कोई मेरे पास ये स्टॉक पड़ा हो, ये पोजीशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट डे, अब आपने देखना है कि सेल हुई है परचेज हुई है। ठीक है, अगली अगला जो इवेंट हुआ है क्रोनोलॉजिकली, वो सेल का हुआ है या परचेज का हुआ है। सेल की भी डेट लिखी हुई है, सेल की पहली सेल हुई है 9 मई को, लिहाजा 9 मई से पहले अप्रैल आता है, तो उसके बाद परचेज हुई है 5 अप्रैल को। चलो जी, 360 रुपए वाले। ठीक है, अब मैं यहां लिखने लगा हूं 5 अप्रैल हमने 300 यूनिट खरीदे 60 रुपए वाले, ये कितने के हैं, 1800 के, 18,000 के, सॉरी 18,000 के, कोई हमने बेचे नहीं है। ठीक है, अगर कोई बेचे होते, यहां तवज्जो करें, तो वो कौन से बिकने थे, ये वाले बिकने थे। ठीक है, वो ये नहीं बिकने थे, क्योंकि तरतीब क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये पहले पड़े हुए हैं और ये 5 तारीख को आए हैं, तो पहले वाले बिकने हैं, अंडरस्टैंड। लेकिन बहरहाल इसमें इस दिन बिके कोई नहीं है, तो मेरा स्टॉक कितना हो गया, इस दिन तो स्टॉक था ये जो हम यहां पर क्लोज कर रहे हैं, ये रहा, इस दिन तो ये था स्टॉक। साथ साथ स्टॉक वाल को अंडरलाइन कर दें। अब अगले दिन क्या हुआ, आपने पहले स्टॉक लिखना है, कितने वाले, 100 वाले, 50, 5,000, फिर आपने परचेज वाले लिखने हैं 300, 60 रुपए वाले, 18,000। ठीक है, और फिर आपने लिखना है कि ये आपका स्टॉक कितना है, ये आप लिख दें कि आपका स्टॉक टोटल कितना हो गया इस दिन, 23,000। ठीक है, और यूनिट कितने हैं, 400। उनका रेट इस मेथड में माने नहीं रखता, इस मेथड के अंदर रेट का कोई काम नहीं है। क्यों काम नहीं है, क्योंकि हर एक का अपना अपना रेट है, एवरेज रेट नहीं निकालना यहां, क्योंकि अगर मैं इश्यू करूंगा तो पहले ये फिर ये वाले करूंगा, इसलिए मैं यहां टोटल का रेट नहीं निकाल रहा, उसकी जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंड। उसके बाद हम आ जाते हैं जी, अब सेल हुए हैं 9 मई को, अगली परचेज है या सेल है, सेल है। ठीक है, अब मैं इधर डेट लिखूंगा 9 मई लिखूंगा, 9 मई, इस दिन कोई यूनिट परचेज नहीं की, इस दिन यूनिट हमने बेचे हैं, कितने यूनिट बेचे हैं जी, 200।
अब 200 कौन से वाले बिकेंगे, पहले ये 100 बिकेंगे फिर ये 200, 300 में से नहीं बेच देने, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले ये 100 बिके, इनकी कॉस्ट थी 50 रुपए और कॉस्ट ऑफ सेल को क्या ट्रांसफर हुआ 5000, और फिर 100 बिके, अलहदा अलहदा लिखने पड़ेंगे क्योंकि ये 60 रुपए वाले हैं, इनकी कॉस्ट कितनी है 6000। ठीक है, अब स्टॉक में क्या बच गया 200 यूनिट, 60 रुपए वाले कितने के 12000 के। अब मेरे स्टॉक की वैल्यू कितनी आ गई 12000, यूनिट कितने हैं 200। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ सेल को क्या चला जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल को 6 और 5 11000 जाएगा। अंडरस्टैंड, ये कॉस्ट ऑफ सेल को चला जाएगा। लेकिन पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर ये साथ साथ कॉस्ट ऑफ सेल को नहीं जाएगा। मैंने टोटल एक मार दिया है, ये मुझे टोटल यहां नहीं लगाना चाहिए क्योंकि पीरियोडिक और परपेचुअल का फर्क ही यही होना है सिर्फ। ओके ठीक है, ये कितना आ गया जी 6000। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर साथ साथ कॉस्ट ऑफ सेल को नहीं जाएगा, ये रेंट पे जाके इसका टोटल लगाएंगे और वो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल को चला जाएगा। अंडरस्टैंड, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या, कौन सी डेट है जी, परचेज है सेल है, परचेज हुई है जी, कितने की परचेज हुई है, किस डेट को हुई है 14 जुलाई को, कितने यूनिट। पहले आप परचेज जो स्टॉक पड़ा हुआ वो दोबारा रिपीट करना होता है ना, इधर 260 12000, पहले मेरे पास ये यूनिट पड़े हुए हैं और मैंने 500 और खरीद लिए 80 रुपए वाले, 70 रुपए वाले कितने के 35000 के। कोई इस दिन सेल नहीं हुई लिहाजा मेरा स्टॉक में 500 यूनिट और आ गए 70 रुपए वाले 35000 के। ठीक है, और इस दिन मेरा स्टॉक जो है, यहां पर भी हमें स्टॉक साथ साथ कैलकुलेट स्टॉक भी नहीं करना, स्टॉक भी क्या होना है ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि साथ साथ उस दिन स्टॉक नजर आ रहा होता है। ठीक है, लेकिन हमें साथ साथ कैलकुलेट करने की जरूरत यहां पर भी नहीं है। ठीक है, तो ये पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर, लेकिन परपेचुअल के अंदर ये स्टॉक, क्योंकि मैंने यही यूज करना था परपेचुअल के लिए, इसलिए मैं यहां पर साथ साथ स्टॉक का टोटल लगाना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो टोटल लगाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब आप पीरियोडिक इन्वेंट्री में कार्ड बनाएंगे तो यू डोंट नीड टू हैव दीज टोटल्स, लिहाजा मैं टोटल को खत्म कर रहा हूं, सिर्फ एक ही टोटल ये लगा है ना। ये 100 यूनिट हैं 50 वाले 5000 के, ये 100 50 वाले 5000 के, 300 18000 के, 200, ये सही हो गया। ठीक है, अब आपने अगर ज्यादा से ज्यादा करना हो तो एक एक लाइन आप यहां लगा सकते हैं कि ये फर्स्ट की वर्किंग पूरी हो गई, ओपनिंग स्टॉक उठा लिया, 5 तारीख की वर्किंग पूरी हो गई, ठीक है, 9 तारीख की वर्किंग पूरी हो गई, ठीक है, एंड देन 14 जुलाई की वर्किंग, ऐसे कर ले। ठीक है, टोटल्स ना लगाएं क्योंकि हम पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में, ना मुझे साथ साथ स्टॉक चाहिए होता है, ना मुझे साथ साथ कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग जब हम फैक्ट्रीज के अंदर ये कार्ड बनाते हैं तो हम ये साथ साथ टोटल लगाते हैं क्योंकि हमें हर दिन अपना स्टॉक नजर आना चाहिए। ठीक है, आगे चल रहे, 14 जुलाई के बाद क्या हुआ, 25 जुलाई, 25 जुलाई को क्या हुआ है जी, 25 जुलाई को कितने यूनिट बिके हैं 200, ये पहले वाले ये बिक जाएंगे सारे के सारे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, 200 यूनिट 60 रुपए वाले 12000 के, ये कॉस्ट बिक गए। ठीक है, बाकी क्या बचा, 500 यूनिट 70 रुपए वाले 35000 के, बस जी। ठीक है, और इस दिन की वर्किंग भी कंक्लूड हो गई, ये ले।
उसके बाद क्या हुआ? परचेज हुई, सेल हुई, परचेज हुई कितने? 22 अक्टूबर को 200 यूनिट्स 80 रुपए वाले 16,000 के, ठीक है, कोई इशू नहीं हुए। अगर कोई इशू होते तो इन 500 में से होने थे, ये बात याद रखनी है। स्टॉक में क्या बचा? 570 रुपए वाले पहले के पड़े हुए हैं, ठीक है, और 280 रुपए वाले 16,000 के और आ गए, ठीक है। तो और हमने इस दिन की वर्किंग भी क्लोज कर दी, ये रहा, ठीक है। उसके बाद 22 अक्टूबर के बाद 23 नवंबर, ठीक है, सेल की हमने यूनिट कितने? 23 नवंबर 200 बेचे हैं, तो इन 500 में से बिकेंगे 270 रुपए वाले 14,000 के, ठीक है, और फिर 300 बच गए 70 रुपए वाले 21,000 के, और ये बचे पड़े हुए हैं 280 रुपए वाले 16,000, ठीक है। इस दिन का भी ये डाटा मुकम्मल हो गया। हाँ जी, आगे आखिरी एंट्री है, ओके, 12 दिसंबर, ये 12 दिसंबर कितने यूनिट बेचे? 200। अब 200 इस 300 में से बिक गए 270 रुपए वाले 14,000 के, और क्या बचा? 100 इसमें से बच गए 70 रुपए वाले 7,000 के, और 200 इसमें से बच गए 80 रुपए वाले 16,000 के, ये रहा, ठीक है। अब हमारा डाटा हो गया कंप्लीट, ठीक है। इस दिन क्या करेंगे? इस डेट की वर्किंग भी पूरी हो गई, ये देखें। आज हम अब स्टॉक, ईयर एंड हो गया, तो आज स्टॉक की वैल्यूएशन हमने करनी है। तो आज स्टॉक की वैल्यूएशन कितनी है? ये 16 और 7 कितनी है? 23,000, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ सेल को कितनी वैल्यू चली जाएगी? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, कितनी होगी जी? 6 पाई 11, 11 और 12, 23 और 28 जी, हैं, 51,000। आखिरी दिन क्या करेंगे? सारी परचेज, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, ये डेबिट क्रेडिट नहीं है, ये एक सब्सिडरी रिकॉर्ड है, ठीक है जी। आखिरी दिन हम क्या करेंगे? 51,000 कॉस्ट, ये 23,000 स्टॉक में ले जाएंगे उस उधर से निकाल के कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में से, और बाकी 51,000 कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में बच जाएगा, ठीक है। आपने देखा कि मैं टेबल बनाए बगैर स्टॉक निकालूं या टेबल बना के निकालूं, एक जितना स्टॉक आ गया। अगर ये परपेचुअल इन्वेंट्री होता, जरा तवज्जो कीजिएगा एक मिनट के लिए, अगर ये परपेचुअल इन्वेंट्री होता तो कुछ भी नहीं करना था। परपेचुअल इन्वेंट्री में स्टॉक की जो कॉस्टिंग है वो होती ही कार्ड के जरिए है, फिर वो शॉर्टकट नहीं लगना था जो पीछे बनाया है। लेकिन इसके अंदर एक एडिशन हो जाना था, वो क्या होना था कि हर डेट को जिस दिन स्टॉक है उसका टोटल लगना था, जैसे मैंने पहले लगाया था, यहाँ टोटल लगना था। अब ये अगर मैं परपेचुअल इन्वेंट्री में वैल्यूएशन कर रहा होता तो ये कार्ड कैसे बनना था? ये कार्ड अब ऐसे बनना था, पहले वाला कार्ड आपने कॉपी कर लिया है, ठीक है ना। अब क्या होना है? अब यहाँ पर ये कॉपी हो जाएगा एज इट इज, ताकि बच्चों को दोनों रहने देना। हम मुझे, हाँ चेक करो जरा, कॉपी हो जाएगा ये, एक मिनट ठहरो। अगर कॉपी होना है ना तो फिर इसको भी मैं परपेचुअल ही रहने दे, पीरियोडिक ही रहने देता हूँ ना। हाँ जी, अब करो कॉपी इसको जरा, होगा कि नहीं होगा? होना तो चाहिए, तेरी खैर हो जाए, कंप्यूटर ही है, कॉपी होना चाहिए, सेव करके पेस्ट कर लो।
हो गया। नहीं हो रहा हमसे, कॉपी नहीं हो रहा जी। चलो इधर ही ले आओ, इधर ही बता दे। पेस्ट भी होता होगा, हमें हमें पता नहीं चल रहा। एनीवेज टाइम ना जाया करें, ठीक है कोई बात नहीं, इसको बड़ा करो। हाँ जैसे पहले था यार, नॉर्मल साइज जो था। अब ये देखें, जब इसने परपेचुअल में कन्वर्ट होना है तो एक तो ऑब्वियसली इसका हेडिंग चेंज हो जाना है, यहाँ परपेचुअल आ गया, ठीक है। बाकी सब कुछ वैसे ही है, सिर्फ करना क्या है, स्टॉक के टोटल लगने हैं हर डेट को, क्योंकि मुझे वहां हर डेट का स्टॉक चाहिए होता है। ये आ गया कितना, 23,000, ठीक है। और जब बिकना है तो कॉस्ट ऑफ सेल का टोटल लगना है, ये कितना आ गया, 11,000। क्योंकि उस दिन मैंने आपको कहा था ना कि जितनी कॉस्ट ऑफ सेल आएगी, मैं एंट्री करते हुए आपको बताया था, तो मैं एक रिकॉर्ड से देखूंगा कि उसकी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी उस सेल की, तो मैं ये वाली एंट्री कर दूंगा। मैं यहां से देखूंगा कि 11,000 उसकी कॉस्ट है, तो मैं वो वाली एंट्री करूंगा जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम वाली एंट्रीज के अंदर लिखी हुई थी, कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री। अंडरस्टैंड, इसी तरह यहाँ स्टॉक का टोटल लग जाएगा इस जगह के ऊपर, ये कितना आ जाएगा, 47,000, ये 47,000, ठीक है। और यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ यही कॉस्ट ऑफ सेल है, ये 12,000, और यहाँ यही इन्वेंट्री है, मैं डबल लाइन से इन्वेंट्री शो कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है, ये ऊपर वाली है। इसी तरह यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल कोई नहीं है, लेकिन इन्वेंट्री कितनी है, 35, और ये जितना भी था ये टोटल यहाँ लग जाएगा, कितना लगेगा, 41,000, ये लग गया टोटल, ठीक है। इधर कॉस्ट ऑफ सेल 14,000 ही है, और इधर इन्वेंट्री का टोटल लग जाएगा, कितना लगा जी, 38,000, 37,000, ठीक है। और फिर ये कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, और फिर यहाँ इन्वेंट्री का टोटल ये लग जाएगा, ये टोटल यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ ये 11,000 ट्रांसफर हुआ, ये 12,000 ट्रांसफर हुआ, ये 14,000 ट्रांसफर हुआ, ये 14,000 ट्रांसफर हुआ। कॉस्ट ऑफ सेल की चार एंट्रीज हुई। वहां पर क्या होता है, साल के आखिर में इन्वेंट्री निकलती है, याद है कल आपको सारी बात ये डिटेल से समझाई थी। तो ये 23,000 की पीरियोडिक इन्वेंट्री में एक ही एंट्री होती है और बाकी कॉस्ट ऑफ सेल हो जाता है। परपेचुअल में क्या है कि हर सेल की कॉस्ट निकलती है, वो ये एंट्री होगी ये स्टॉक बच गया, 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 ये एंट्री होगी आखिर में ये स्टॉक बच गया। परपेचुअल और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर फाइफो कॉस्टिंग हो, फाइफो कॉस्टिंग के अंदर परपेचुअल और पीरियोडिक के अंदर सेम स्टॉक आता है, क्योंकि दोनों मेथड के अंदर इन्वेंट्री में बचना क्या है, जो आखिर वाले यूनिट। क्यों जी, बताएं, ये बात समझ लग गई आप लोगों को? शाबाश, हैंड रेस करें। ठीक है, आओ जी, किताब क्या हो, क्लोज करो इसे। अब आपने करना क्या है, ये यहां ये जो कार्ड बना हुआ है ना, ये बेसिकली परपेचुअल वाला बना हुआ है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ टोटल लगे हुए हैं। ये देखें, ये टोटल, उसके बाद उसने 5 अप्रैल को परचेज करके ये टोटल, फिर ये टोटल, ठीक है। ये ब्रैकेट क्यों लगा दी इसने यार? अच्छा, ये उसने उसमें से इशू को इधर किया, ये हमें फजूल काम किया हुआ है ना, इसकी जरूरत नहीं है। ये जो ब्लॉक है ना, यहाँ से लेके ये यहाँ था,
इसको काट दें, ये ले, ठीक है। ये इशू हो गए, इनकी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल ये आ गई, ये साथ साथ कॉस्ट ऑफ सेल हो रही है, और स्टॉक में कितना बच गया है? स्टॉक में ये 47,000 बच गया ना। हाँ, ये 200, और फिर इसने 500 वाले परचेज किए, स्टॉक इतना हो गया। ये एक्चुअली यहां से निकालता है और इधर लिखता है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देखें, इसकी जरूरत नहीं है, आपने इसको इग्नोर कर देना, ठीक है। ये जिस जो फॉर्मेट इसका बना हुआ है, फॉर्मेट चेंज, आपने इसे इग्नोर कर देना है। ये मुश्किल है, टाइम टेकिंग है, जाया करेगा हमारा टाइम। जिस फॉर्मेट से मैंने बनाया है, आपने इस क्वेश्चन के दोनों कार्ड, परपेचुअल इन्वेंट्री वाला भी और पीरियोडिक इन्वेंट्री वाला भी, इन्वेंट्री कार्ड दोनों बना के लाने हैं, ठीक है। क्या करेंगे आप दोनों, आगे चलो, जरा क्वेश्चन है कोई तो वो दे देते हैं। ये वही क्वेश्चन है ना, आगे चलो, ये तो कल करेंगे हम, ये है ना। आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर कोई वो आखिर में एनआरवी का रोला तो नहीं डाला हुआ इसमें? नहीं है, कुछ नहीं है ना, ठीक है। पीछे करो, आपने क्या करना है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो तो मैंने एग्जांपल करवा दिया आपको, ये जो डस्का रिटेल वाला क्वेश्चन है, आपने इसकी पहले सिंपल कॉस्टिंग करनी है फाइफो से, जैसे आज मैंने स्टार्ट क्वेश्चन किया विदाउट कार्ड्स, फिर वेटेड एवरेज से विदाउट कार्ड, और फिर आपने दोनों तरह से फाइफो मेथड के और जो है फाइफो मेथड के दोनों कार्ड बना के लाने हैं, ठीक है। यानी वो सिर्फ उसमें टोटल्स का फर्क आना है, बाकी वो कार्ड सेम ही बनता है। सिर्फ क्या है कि वेटेड एवरेज में आखिर में जाके स्टॉक का एक ही दफा टोटल लगाते हैं, और कॉस्ट ऑफ सेल का आखिर में टोटल लगाते हैं, और परपेचुअल के अंदर हर क्लोजिंग के बाद स्टॉक का भी टोटल लगता है, जो कॉस्ट ऑफ सेल को इश्यू में जा रहा होता है मटेरियल, उसका भी टोटल लगता है, ठीक है। तो आपने फाइफो के दोनों कार्ड, यानी परपेचुअल से भी और पीरियोडिक से भी, दोनों बना के लाने हैं। बात समझ आ गई? आपने पहले इसकी सिंपल वैल्यूएशन कॉस्टिंग करनी है उससे, फाइफो से और वेटेड एवरेज से, फिर आपने फाइफो यूज करते हुए एक दफा पीरियोडिक में इसका इन्वेंट्री कार्ड बनाना है, और फिर फाइफो यूज करते हुए परपेचुअल में इन्वेंट्री कार्ड बनाना है। आंसर सेम आएंगे, सिर्फ फॉर्मेट के अंदर थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। पीरियोडिक में टोटल नहीं लगने, जो मैंने पहले क्वेश्चन बना के बताया था, परपेचुअल में हर डेट के बाद टोटल लगने हैं, उसका इन्वेंट्री का ब्लॉक का भी, और जो कॉस्ट ऑफ सेल को जाना है उसका भी। तो ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करके आएंगे, अगर आपने इसको कर लिया तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। कल इंशाल्लाह ताला हम लोग वेटेड एवरेज के ऊपर बात करेंगे, अगर आज कराऊंगा तो ये मिक्स हो जाएगा। आगे चलो, जरा देखें क्या रह गया पीछे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये तो हो गया ना हमारा, ये सब कुछ हो गया इंशाल्लाह ताला। कल हम क्लोज करेंगे इनकी क्लास जो है, कोई बात नहीं, सोल्यूशन ही लंबे लंबे हैं, और उसमें क्या। हाँ, आगे चलो, ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है। कल हम इंशाल्लाह, कल मैं एक प्रॉपर तरीके से इसे क्लोज करूंगा। अगर कुछ एक आध क्वेश्चन रह गया हुआ तो हम आपके एग्जाम के बाद उसे दोबारा जो है वो कॉप कर लेंगे। मे बी आज एग्जाम की कोई डेट शीट भी आ जाए कि आपका एएफसी का पेपर कब है। इफ वी हैव 10 डेज, तो फिर हम मे बी इसको मंडे को भी करके, तो कुछ थोड़ा बहुत अगर रह जाएगा कल, तो मंडे को क्लोज कर लेंगे, ठीक है। तो कल हम इंशाल्लाह ताला क्लास करेंगे 11 o'clock, बाकियों का मुझे नहीं पता, मैं 11 o'clock क्लास करूंगा, और तकरीबन 1.5 घंटे की क्लास होगी इंशाल्लाह ताला। गॉड ब्लेस यू ऑल जी, कल इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे।